ज्यादा पता है। चलो पूछो। शिक्षा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? इल्तुतमिश ने अपने बेटे शहजादा नसीरुद्दीन महमूद की याद में दिल्ली में नासिरिया मदरसे की स्थापना की। रिजिया में मिन्हाज उशिराज किसका प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया? क्यासपुर में यमुना के किनारे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाही मदरसे की स्थापना की। अभिजात वर्ग अपने बेटों बेटियों के लिए पुरुष और महिला शिक्षक नियुक्त करते थे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। हेलो मिन्नी हर्षित। चलो किताब का नाम बताइए जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में उस बिंदु से शुरू होती है जहां मिन्हाज उशिराज ने अपनी पुस्तक को समाप्त किया था। ताजुल मासिर, तारीख फिरोजशाही, फातिया ऐबरिया, तबकात महमूदशाही। मिन्हाज उल सिराज की पुस्तक का शीर्षक क्या है? ताजुल मासिर, फतवाए जहांदारी, तबकात नासिरी या तारीख महमूद शाही? पीएचडी में टॉपिक, हाँ मेडिवल से ही लेना होगा। मेडिवल कोई कंपलसेशन नहीं है, मेडिवल से लेना होगा क्योंकि मेडिवल से लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। वैसे इंटरडिसिप्लिनरी भी कर सकते हैं लेकिन बहुत दिक्कत होती है। चलो सुनानी। मिन्हाज रिफ्रेश कर दिया। अरब यात्री स्थकरी के बारे में क्या सही नहीं है? खुरासान में कारका निवासी था, उसने 951 में भारत की यात्रा की। उसने किताब अल अकलीम और मसालिक अल ममालिक लिखा। कहा जाता है कि उसने विश्व का एक मानचित्र बनाया। हेलो भारती।
निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही है? सुल्तान इल्तुतमिश सूफी संतोष शेख रुकुद्दीन बख्तियार काजी काजी हमीदुद्दीन नागौरी शेख बहाउद्दीन जकारिया के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करता था। वह अपने दरबार में नियमित धार्मिक वार्तालापों के आयोजन द्वारा उलेमाओं को भी संतुष्ट रखता था और उसकी नीति और विवादी धर्म शास्त्रियों के मतों से प्रभावित थी। रजिया को अपना उत्तराधिकारी नामांकित करते समय उसने उलेमाओं की राय जानने की परवाह नहीं। पवित्र व्यक्तिगत जीवन बिताने कारण उसे सूफियों का सौहार्द हासिल था जिसका उसने पूरा फायदा उठाया। हाँ, आईआईटीज में पीएचडी बेहतर है, कर सकते हैं। उलेमाओं को संतुष्ट रखने की कोशिश कभी नहीं की इन्होंने और रूढ़िवादिता नहीं अपनाई। इसी नीतियों में भी रूढ़िवादिता की झलक नहीं मिलती। इल्तुतमिश के काल की इन घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इल्तुतमिश को खलीफा द्वारा प्रदत्त मुक्त अधिकार पर रणथंभौर की विजय, ग्वालियर विजय, कलिंजर विजय। बी का मैंने सी लगाया ना, सी लगाया था, बी क्यों पूछ रही हूँ? ये सब मैंने डेट वाइज आपको पढ़ाया हुआ है, किस डेट में क्या क्या विजिट किया है इन्होंने। दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तो किस साम्राज्य का न केवल राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र भी बनाया था। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी शेख उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया। इसे हजरत दिल्ली या आसिफ दिल्ली या शहर कहा गया है। यह सुल्तान कौन है? एकता के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए। एकता है तमलीक वंशानुगत थी जिसमें एकता पाने वाले की लगभग निजी संपत्ति समझी जाती थी। एकता है मुस्तकल वंशानुगत नहीं थे, आरंभ में उनकी प्रकृति प्रशासनिक और सैन्य दोनों थी। एकता है वही व्यक्तिगत अनुदान थे जिसमें न तो प्रशासनिक और नहीं सैन्य बलों पर बल था। इनमें से सही उत्तर चुनें।
इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले कमाल माहियार को जब अमरोहा के मुतसरी पद के लिए चुना गया और जब उसे सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तब सुल्तान की प्रक्रिया की जब मैं निचले तबके में पैदा व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर में प्रत्येक धमनी और नस क्रोध से खिंचना शुरू हो जाती है। सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश बलबन जलालुद्दीन खिलजी बहलोल होती। ये स्टेटमेंट बार बार आता है एग्जाम में, बल्कि की पॉलिसीज को ये स्टेटमेंट इंगित करता है। इसलिए ग्रंथ और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। ताजुल मासिर, तारीख मुबारक, शाही मसाली को, तफसारी मुबारक को, शमशाद शुबल शाह। ताजुल मासिर, हसन निजामी, तारीख मुबारक शाही, अय्या बिन अहमद सरगंदी, मसालिक उल अफसाद फी मसालिक उल अमसाल, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है उसमें सोर्सेज में। सिहाबुद्दीन अल उमरी, शुगल शाह अल कशकंदी, और ये एग्जैक्टली एग्जाम में, ये सारे पी वाई क्यूज हैं जो मैं आपको शॉर्ट करा रहा हूँ। आदर्श इस तरह कमेंट मत किया करो क्लास में, ठीक है ना? दिस इज नॉट अ गुड थिंग। क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और गलत प्रभाव पड़ता है इनके ऊपर। ये मैं वार्न कर रहा हूँ, मेरे पास ब्लॉक का भी ऑप्शन है। अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी बादशाहियत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों, विदोषकों से बातचीत नहीं की। यह कथन जियाउद्दीन बर्नी के निम्नलिखित में से किस सुल्तान के संदर्भ में कहा है? ऑब्वियसली अभी पॉलिसी हम पढ़ के हैं, पता ही होगा। नसरुद्दीन महमूद बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। फकरे मुदब्बी और उसके अलाव उल हक वासुजात के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो कमिश्न के शासनकाल के आरंभिक दिनों में युद्ध कराकर लिखी गई किताब है। फकरे मुदब्बी ने भारत में बनी तलवारों की काफी तारीफ की है। मुदब्बी ने लिखा है कि राजस्थान के खेतरी में लोहे के एस्कों को बनाने का काम होता था। वह दमिश्की स्टील बनाने की सबसे पुरानी ज्ञात तकनीकी का वर्णन करता है। इन कुटों में सही उत्तर का चयन कीजिए।
क्षेत्री में नहीं, क्षेत्री में तांबे के अयस्कों की बात होती है, लोहे के अयस्कों की नहीं। चश्नामा और बाबरनामा क्रमशः किस भाषा में लिखे गए? अरबी और फारसी, तुर्की, अरबी और तुर्की, फारसी और पश्तो। चश्मनामा भी लिखा गया है और बाबरनामा तो क्यों? निम्न में से कौन तुकानी चेलकानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था? बोलिए, प्रिफेस करता हूं। बहाउद्दीन तुगरिल, तुगलक खान, इमादुद्दीन रहमान और बलबन, इन सबके बारे में डिटेल में बताया है, इसीलिए सबके बारे में बताना पड़ता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फारसी में बाबरनामा को अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने, इंग्लिश में अनुवाद किया था मैडम बेवरेज ने। बाबर ने इसको चगताई तुर्की में लिखा, मुबैयान पद्य शैली में, गद्य शैली में। ठीक है, इसमें कौन सा दुकानी चरगानी से नहीं जुड़ा हुआ था? इमादुद्दीन रहान हिंदुस्तानी मुस्लिम था। कौन सी जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लेखक उपरोक्त, फकरे मुदब्बिर आलाप, उल हरवा सुजात, मोहम्मद कबीर अफशाना ए शाहान, जियाउद्दीन बरनी फतवाए जहादारी, शरीदुद्दीन मोहम्मद औफी खजाइन उल फतूह। खजाइन उल फुतूह किसने लिखा है? अमीर खुसरो। इन दोनों सूचियों को सम्मिलित कीजिए, अमीर हाजिब, मीर मुशरिफ, वहीद। लेखाकार, गुप्तचर अधिकारी, मुख्य प्रबंधक, केंद्र में सेना का प्रमुख। अमीर हाजिब, ये मुख्य प्रबंधक था दरबार का। हाजिब से ही शब्द बना है हिजाब। हिजाब का मतलब वो नहीं होता जो, इसी धातु से बना है तहजीब। तो अमीर हाजिब भी देखता था कि दरबार में मुख्य शिष्टाचार कैसा है। मीर अर्ज, बलबन ने इसकी स्थापना की थी। मीर अर्ज सेना का प्रमुख है। मुशरफ, जो मसरूफ रहता है, मुशरफ से ही बना मशरूफ, मतलब व्यस्त बना बिजी। बली कुत्तेचा अधिकारी। कौन सा सही नहीं है? फकरे मुदब्बिर ने इंकलाब अपनी पुस्तक को तो तुम्हें समर्पित किया है,
ईसामी मिन्हाज शियास के सत्र से सहमत नहीं है कि विश्व के विभिन्न स्थलों के लोगों को नौ स्थापित शहर दिल्ली की ओर कतार से लगती थी। मिन्हाज कहता है कि रजिया में शासन बनने के सभी प्रशंसनीय गुण और आवश्यक योग्यताएं थी। रजिया द्वारा गैर तुर्कों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति ने तुर्की में योगदान नाराज कर दिया, जिसकी वजह से रजिया को अवतस्त करने की योजना बनाई। इसमें गलत क्या है? क्या नारीत्व है? इसमें नारीत्व की बात कहाँ गई? अच्छा, रजिया की कमजोरी है। मिन्हाज कहता है कि रजिया में शासक बनने के सभी प्रशंसनीय गुण और आवश्यक योग्यताएं थी, सिवाय एक बात की कि वो स्त्री थी। स्त्री होना उसके सभी गुणों पर भारी पड़ गया। तो इस कथन के दो पहलू हैं, तो पहले पहलू को दिया है तो ये भी तो सही है ना। कोई बात नहीं। दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारियों में निम्नलिखित गुलाम सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? रुकनुद्दीन, फिरोजशाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह, मुइजुद्दीन, बहराम शाह, नासिरुद्दीन, महमूद। हालांकि यहाँ पे रुकनुद्दीन, फिरोज शाह, मुइनुद्दीन, बहराम शाह के बीच में कौन आएगा? रजिया सुल्तान। शाहनामा का लेखक फिरदौसी इनमें से किसके दरबार का राजकवि था? महमूद गजनवी, गोली कुतुबुद्दीन, ऐबक, इल्तुतमिश। तुम्हारी ज्योति पूछ रही है क्या? कुकुर खाना का क्या अभिप्राय है? शाही शस्त्रागार, शाही घोषाल, शाही रसोई घर, शिकारगाह।
शाही शस्त्रागार को क्रूर खाना कहते थे। भागवतों के साम्राज्य की स्थापना के साथ इतिहास की लेखन का दृढ़ता से स्थापित हो गई। सल्तनत काल में भारत में कार्य उद्योग विकसित हुआ था। इस कथन को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से संयुक्त का चयन कीजिए। भारत में लेखन कला दृढ़ता से स्थापित हो गई। लेखन कला इसलिए नहीं अभी तक स्थापित नहीं हो पा रही थी क्योंकि भारत में कागज नहीं था। कागज के अभाव में लेखन कला स्थापित नहीं हो पा रही थी ऐसा नहीं था। भारत में इतिहास क्यों नहीं लिखा गया उसको मैंने एक बेहतरीन वीडियो बनाया, किसी ने देखा उसको? क्यों नहीं लिखा गया भारत में इतिहास? देखा ना? तो वो जिन्होंने देखा होगा उसको पता होगा क्यों नहीं लिखा गया, उसका कारण कुछ और था। तो ये बात सही है कि तुर्कों के आने के बाद स्थापित हुई, और यह भी बात सही है कि भारत में कागज उद्योग विकसित हुआ, लेकिन इन दोनों में व्याख्या का संबंध नहीं है क्योंकि व्याख्या तभी होगी जब बीच में क्योंकि लगाएंगे और ये क्योंकि यहाँ पे फिट बैठेगा इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में। बिकॉज संगीता तुम्हारा क्या हुआ एग्जाम? भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही इतिहास में लेखन कला स्थापित हो गई थी क्योंकि सल्तनत काल में भारत में कागज उद्योग विकसित हुआ था। हालांकि कागज पे लेखन किया जाता है, इसे कागज पे ही कहाँ किया जाता है, भोजपत्रों पे भी किया जाता है, ताड़पत्र पे किया जाता है, चमड़े पे किया जाता है, वृक्ष की छाल से किया जाता है, ताम्रपत्र में भी किया गया है। तो इन सभी पे लेखन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश, उदयगिरी गुफाएं महाराष्ट्र, अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश। पहला तो गलत है, ये भी सही है। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश में है ना, ये एमपी में, ये बिहार में, और हेमकुंड का गुरुद्वारा तो
उत्तराखंड में है, ये तो सारा ही गलत, सिर्फ डी सही है। अच्छा शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा बाबू सुनोरो शुरू करवाया, हाँ वेरी गुड। क्वेश्चन होगा क्या सही नहीं है, किलवाई शासक जिसने दिल्ली में सल्तनत में सिजदा बाबू से नौरोज शुरू करवाया वह कौन था? तुर्कों ने भवनों पर हिंदू शैली के अनुसार मानवीय और पशु आकृतियों को अंकित करने की परंपरा का अनुसरण नहीं किया, उन्होंने ज्यामिति एवं फूल पत्तियों की आकृतियों और फलक पर कुरान की आयतों को अंकित किया। हाँ जी हाँ सर, प्रणाम सर। सर नहीं, इसमें क्योंकि ये तो नहीं होया ना सर, इसको तो बताना चाहिए कि उन्होंने क्यों अनुसरण नहीं किया, जब पहला उसने कहा दिया कि उन्होंने अनुसरण नहीं किया, तो यहाँ तो ये लिखना चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं किया, उन्होंने ज्यामिति और फल पत्तियों का यहाँ लिखना चाहिए कि मैंने उनके धर्म में ये मनाया चाचा ये सब ना सर, तब ना ये सही होता सर। तुर्कों ने भवनों पर हिंदू शैली के अनुसार मानवीय एवं पशु आकृतियों को अंकित करने की परंपरा का अनुसरण नहीं किया क्योंकि उन्होंने ज्यामिति एवं फूल पत्तियों की आकृतियों और पैनलों पर कुरान आयतों को अंकित किया। तो व्याख्या तो नहीं हो सकती दोनों में, यकीन अंकित करो दोनों के चारों अंकित कैसे करो सर, चारों अंकित तो नहीं करेंगे सर, लेकिन वो कहेगा ना क्वेश्चन कि क्यों नहीं किया, वो लिखा है ना कि अनुसरण नहीं किया, उसको बताना, व्याख्या तभी करेगा सर उन्होंने क्यों नहीं किया।
ये होना चाहिए मुझे जो लगा सर, ये तो दोनों बता ही रहा है। हाँ ये होगा भी, ये व्याख्या तो नहीं कर रहे बस सही है, लेकिन यूजीसी में जो इनका उत्तर दिया गया है ये दिया गया। एक चीज और है कि यूजीसी रेलिवेंट स्टेटमेंट को व्याख्या मान लेता है। हाँ ये बात तो है सर, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि वो उसको बताना चाहिए रीजन कि हमने क्यों नहीं किया। हाँ ये तो एडमिट तो कर रहा हूँ मैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, यूजीसी फाइनल कर की बात, यूजीसी की बात कौन करेगा और कोई बात नहीं, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। लिखने पर कितना नंबर मैसेज कितना नंबर लिख नहीं पाती है सर। ओके सर, दूसरी बात ये है कि एक और चीज ध्यान रखिए सर, जैसे एक होता है कथन स्टेटमेंट और दूसरा, तो हमने अक्सर ऐसा देखा इसमें पहले बता दिया कि कथन और कार्य अगर एक पॉइंटिंग पिक्चर है तो अभी आ रही आवाज, अगर कथन और कारण कॉन्टिन्यूएशन में है या कथन के बाद कारण ना होकर के उसका परिणाम है, तो ऐसा पाया गया है कि नेट में जो भी क्वेश्चन आता है इनको भी ए मान, यानी इनको भी व्याख्या मान लेता, ऐसा देखने में आया है। समझ गए? हेलो नारा, तुम कहाँ रहती हो, क्लास में नहीं आती? नेट हो गया तो भूल गई। तुर्कों ने भावनों पर, एक्चुअली तुर्की मुसलमान थे, इस्लाम में ये परंपरा है कि कोई भी वस्तु जो जीवित है, जीवित का मतलब जगदीश चंद्र बोस वाला जीवित नहीं कि पेड़ पौधों में भी जान होता है, कोई भी वस्तु ऐसा है जो जिंदा है, चल रहा जानवर, उनको हम फिर से नहीं बना सकते। मैं भी लखनऊ ही हमारा हूँ, चिंता ना करो, उसको क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुदा के क्रिएशन को जो खुदा ने बनाया है उसको चैलेंज कर रहे हो, उसको मॉडिफाई कर रहे हो, और खुदा कभी गलत नहीं हो सकता, मॉडिफिकेशन की वहां जरूरत नहीं। इसलिए चित्र बनाना, म्यूजिक, मूर्तिकला, इन सबको माना गया कुफ्र। मूर्ति यानी जिंदा चीजों की, मूर्तियां नहीं बनती, फोटो नहीं बनती, पूरी दुनिया में आप पैगंबर की कोई फोटो नहीं पाओगे, पैगंबर छोड़ो खलीफाओं की फोटो नहीं पाओगे, इस्लाम में फोटो का रिवाज ही नहीं, सूफियों की फोटो मिलेगी या काबा की फोटो मिलेगी। समझ गए? जी करना साहित्य रचना और सूची अदाब भलवान सुजात तबकाती नासरी तारीख जहां गुसा तारीख फिर शाही अता मलिक जुबैनी जियाउद्दीन बरनी विनाश शिराज फक्र मुद्दर। पोलिया दिल्ली सल्तनत काल में शासकीय अधिकारियों का व्यवहार शरीयत द्वारा संचालित होता था, राज्य का देश संपूर्ण देश को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना था। इनसे सही उत्तर का चयन कीजिए। नहीं, मुझे दोनों गलत लग रहे हैं। पहले तो शरीयत द्वारा व्यवहार संचालित नहीं होता था, बात गलत, और राज्य ने ऐसा ध्येय कभी नहीं बनाया कि दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना है। किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने कन्वर्जन किया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया कि ऐसा प्रयास बहुत रिगोरसली नहीं किया कि सबको मुसलमान ही बना देना। और एक थोड़ा सा उदाहरण मिलता है सिकंदर लोदी का, इनके पर्सनल प्रॉब्लम्स थे, इनकी वजह से ये फैनेटिक हो गए। जैसे फिरोज शाह तुगलक की पर्सनल प्रॉब्लम ये थी कि मोहम्मद बिन तुगलक की सेकुलर पॉलिसीज ने सल्तनत का डिक्लाइन शुरू कर दिया था,
तो उलेमाओं को कन्विंस करने के लिए और पब्लिक को कन्विंस करने के लिए, विद्रोह को रोकने के लिए इसको शरीयत की सुनो में जाना पड़ा। और सिकंदर लोधी की प्रॉब्लम ये थी कि इसके जो पापा थे मसनद अली, वो सारे सरदारों को अपने साथ ही बिठा करके उनका मन बढ़ा दिए थे कि वो सब समझते थे कि हम सभी राजा ही हैं। तो सिकंदर लोधी ने उस पॉलिसी को, अफगानी पॉलिसी को ख़त्म किया मसनद अली को, और इस्लामी पॉलिसी को रीस्टैब्लिश किया जिसमें सुल्तान को सुल्तान माना जाता था, सुल्तान को ऊपर समझा जाता था। लेकिन ऐसा नहीं किसी भी किताब में, इवन बर्नी तो आलोचना इसीलिए न करता है कि बर्नी को दर्द क्यों होता है, फकरे मुदब्बिर को प्रॉब्लम क्यों होती है। अमीर खुसरो, कहीं कोई कहा है कि दारुल हर्ब का मतलब होता है कि काफिरों का देश, दारुल इस्लाम का मतलब होता है मुसलमानों का देश। तो इन्होंने ये उद्देश्य कभी नहीं बनाया कि पूरे इंडिया को हम इस्लाम में कन्वर्ट कर देंगे, कहीं ना कोई ऐसा प्रयास किया गया, ना कोई धर्मांतरण के लिए बहुत लंबे अरसे तक कोशिश की गई। हाँ, फिर शाह तुगलक के कार्यकाल में थोड़े टाइम के लिए कन्वर्जन की बात पता चलती है। अलाउद्दीन खिलजी ने हाथ झाड़ लिए थे, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, पूरे गुलाम हंस के शासक इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, कहीं इस्लामिक पॉलिसीज को प्रमोट नहीं किया गया। शैद वंश के तीनों सुल्तान, लोधी वंश के दोनों सुल्तान सिकंदर को छोड़ रखें। तो इस पूरी की पूरी चयन में 50 लोगों में दो लोग अगर थोड़ा बहुत कट्टर हैं तो इसको हम ये थोड़ी ना मान लेंगे कि ये राज्य का ध्येय ही था इस्लामीकरण कर देना पूरे भारत। अभी हमने जो सांस्कृतिक इतिहास पढ़ाया उसमें इस चीज को बड़े क्लियरली मेंशन किया है। क्या नहीं है दूसरा जो स्पेशल क्लास मैंने सभी ने एनरोल कर लिया उसमें, कल से जो शुरू हो रही स्पेशल क्लास 6:00 की स्पेशल क्लास 4:30 बजे, मेरे प्रोफाइल में जाओ, वहाँ स्पेशल क्लास 3-4 हैं लॉन्च हैं, उसको करो। ये गलत उत्तर, ये दोनों गलत, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इल्तुतमिश का मकबरा इस बात का संकेत करता है इसके निर्माण में हिंदू तथा मुस्लिम स्थापत्यकला की परंपराओं का मिला जुला प्रयोग किया गया है। प्रथम बार असली मेहराब का प्रयोग सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के मकबरे में किया गया था। घोड़े की नाल की आकृति की मेहराब का प्रथम बार प्रयोग अलाई दरवाजे के निर्माण में किया गया था। दोनों मेहराब कही जाने वाली वास्तुशिल्पी युक्तियों का प्रयोग सल्तनत काल में निर्मित किसी भवन में नहीं किया गया। नहीं, स्पेशल क्लास शाम को ही ठीक है 4:30 बजे, सुबह मैंने कुछ दिन करने की कोशिश की थी 8:30 या 7:30 बजे, लेकिन नोबडी कम्स, कोई आता ही नहीं सुबह, तो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। घर में प्रोग्राम है, इस इल्तुतमिश के मकबरे में ये प्रयोग किया गया है। असली मेहराब का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया? बलबन के मकबरे में, और घोड़े किनार की आकृति का ये तो बिल्कुल सही है। दोहरी मेहराब भी प्रयोग किया गया, दोहरी मेहराब का प्रयोग कहाँ किया गया? अलाई दरवाजा, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या? काफी मुझे नहीं आ रहा, तो वो कहां से आ रहा भाई? सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा है? अपना आसपास चक्कर तुम्हारे घर में तो नहीं है ना?
बोलकर के राजा का सिद्धांत रखकर लोग नहीं करा देता कि प्रतिष्ठा तो तुम्हें उत्तराधिकारियों के अधीन घटी थी। बलबल के राजत्व का सिद्धांत करेक्टर लॉ की नीति पर आधारित था। करेक्टर लॉ की नीति उसने क्यों अडॉप्ट की? ताज की प्रतिष्ठा को रीस्टैब्लिश करने के लिए। इसमें सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, ये इसमें बी में दिया है कि सही स्पष्टीकरण क्या है, यानी इसकी व्याख्या करता है ना। इसकी व्याख्या कर रहा है तो तमिश के उत्तराधिकारियों ने चालिया के प्रेशर में आकर के कठपुतली बनकर के ताज की प्रतिष्ठा को समाप्त कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि चालिया के जितने भी सदस्य थे किंगमेकर की भूमिका में आ गए और एक-एक करके तो तमिश के सारे संततियों को उन्होंने मार डाला। उसके मार डालने के पीछे कारण यह था कि ताज की प्रतिष्ठा को रीस्टैब्लिश नहीं किया गया और सुल्तान सुल्तान की तरह व्यवहार नहीं कर पाया, तभी तो कठपुतली बन गया। बलबन ने टेरर क्रिएट करके कम से कम यह स्टैब्लिश करने का प्रयास किया कि सुल्तान सुल्तान होता है और उसकी प्रतिष्ठा को चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी भी स्थिति में अगर आप प्रतिष्ठा को चुनौती देने का प्रयास करोगे तो इसका एक ही परिणाम होगा, तलवार से माफी बर्तन को अलग कर देंगे। इसे कहते हैं आयरन सोर्ड, द पॉलिसी ऑफ आयरन सोर्ड रक्तम लोगी की नीति। प्रतिष्ठा एक तरह से शील्ड का काम करती है, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। इनमें सत्य क्या है? बलबन की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र उग्रखान ने लखनौती में सार्वभौम सत्ता धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सत्ता को बंगाल तक विस्तृत किया। सन 1324 में ग्यासुद्दीन तुगलक ने बंगाल का दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया। शमसुद्दीन इलियास शाह के शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर दो बार अटैक किया। असत्य तो ये फाइनल लेटर बोर्ड है आदर्श फर्स्ट रवि सेकंड सपना थर्ड पूजा सात्विक एकता मलयजोत काजल समृद्धि तरीका। इसी के साथ ही सत्र को विराम देते हैं, मिलते हैं रात की क्लास में। तब तक के लिए बाय।